पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सूरत में हुए अग्निकांड के बाद अब शिक्षा विभाग की नींद भी टूट गई है। मुरादाबाद में शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर चलाए जाएंगे। जो कोचिंग सेंटर नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ शिक्षा विभाग अब जल्द ही कार्यवाही करने की तैयारी में है। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स क्षेत्र में कोचिंग सेंटर्स का हब देखने को आसानी से मिल जाएगा, जहां पर हजारों बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल ही शून्य है, जिसकी वजह से मुरादाबाद के कोचिंग सेंटर भी हादसों को दावत देने से परे नहीं है। देखिए, इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो लाइफ सेफ्टी के मेजर्स हैं वह पूरी तरह से है या नहीं है, इसके लिए मेरी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित भी है सभी कोचिंग संचालकों को, कि वह कोचिंग के आवागमन का रास्ता, वहाँ फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं, अन्य जो सेफ्टी के मानक हैं, उन मानकों को वह कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोचिंग इस समय वर्तमान में रजिस्टर्ड या नवीनीकृत है कि नहीं है, इस संबंध में 3-4 पॉइंट्स पे हमने सभी कोचिंग संचालकों से 1 सप्ताह के अंदर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। और उन कोचिंग संचालकों के द्वारा जब ये पत्रजात हमें उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो उसके बाद हम लोग ये परीक्षण करेंगे। और साथ ही साथ कोचिंग संचालकों को ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो प्रॉपर रिफिलिंग होती है उसको भी वह चेक कर लें कि उसका वह एक्सपायर ना हो चुका हो, और अगर वह एक्सपायर हुआ है तो उसकी पुनः वह रिफिलिंग करा लें, और जो भी फायर इक्विपमेंट्स है वो पूरी तरह से वर्किंग आर्डर में हो। और साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक ड्रिल भी हो ताकि अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति होती है तो हम कितनी देर में उस कैंपस को खाली कर सकते हैं। और इस निर्देश के क्रम में भी आकाश इंस्टीट्यूट ने एक मॉक ड्रिल भी कराया था जिसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया था, जिसमें सायरन बजा करके पूरे कैंपस को 6 से 7 मिनट के अंदर उन्होंने खाली कराया था। तो इस तरह की मॉक ड्रिल भी हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराने के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि उनके जो स्टेयर्स हैं उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने देर में हम कैंपस को अचानक अगर खाली करने की स्थिति होती है तो हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी मैं उनको निर्देशित किया जा रहा है कोचिंग संचालकों को कि जो बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं उनको पूरी तरह से वो गाइड कर दें कि जब इस तरह से कोई आग की स्थिति होती है, अग्निकांड की स्थिति होती है, तो हम सब जानते हैं कि धुआं नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो अपने लाइफ को सुरक्षित करने के लिए कि वो ज़मीन पे लेट जाए, और साथ ही साथ जो कमरा जिसमें वो मौजूद हैं उसके सामने भीगा हुआ कोई कार्टन रख दें ताकि वह उस स्मोक को एब्जॉर्ब कर ले, स्मोक कमरे के अंदर ना आए। तो इस तरह के जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन सेफ्टी मेजर्स के विषय में भी बच्चों को जागरूक किया जाए, स्टाफ को जागरूक किया जाए, और हम लोग एक अभियान चला करके इसको सुनिश्चित भी कराएंगे। अभी जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है उन्होंने एक पत्र हमें भेज करके और जितने भी जनपद में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी सूची मांगी थी, वो सूची मेरे द्वारा आज उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। और उसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी निश्चित रूप से कोचिंग का निरीक्षण करके फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, और हम लोग मिल करके सुनिश्चित कराएंगे कि उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कम से कम मुरादाबाद में तो ना होने पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।